जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत उजारपुरवा क्षेत्र में रहने वाले सोहन पर पुराने रंजिश के चलते चार बदमाशों ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित सोहन को गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित के परिजनों ने उसे विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया। मेडिकल पहुंचते ही पीड़ित की मौत हो गई। बताया गया है कि अपराधी एक मकान निर्माण में बैठकर शराब पी रहे थे, तभी अचानक उन्होंने अपने हथियार निकालकर सोहन को टारगेट बना लिया। अपराधियों ने कई बार तलवार व चाकू से पीड़ित पर हमला किया। पीड़ित के परिजनों ने लाडगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार तीन आरोपियों की तलाश जारी है। परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते अभिषेक पंडित, शुभम कूचड़, अन्नू चौधरी और रितु गांजा नाम के लड़कों ने हत्या के इरादे से यह हमला किया है। झगड़ा चल रहा था, उन लोगों ने हमारे भांजे को मारा, तलवार से मारा है। हमारा भांजा सीरियस हो गया, विक्टोरिया ले गए उसको। विक्टोरिया से ले जाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए हम लोगों ने, हॉस्पिटल में नहीं लिए गए, फिर मेडिकल ले गए हम लोगों ने। मेडिकल में एक्सपायर हो गया। और ये हमारे भतीजे ने चार लड़कों को नाम बताया है, ये लड़के रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।